मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को दस्तयाब होंगे। आप बच्चों को, आने वाली नस्लों को आप क्या बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क कैसा है, कि आप जो चाहे कर लें और उसके बाद आप अगर हर चीज कर सकते हैं, और यही वजह है कि आज हमारा पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और कड़वे घूंट हमेशा पीने पड़ते हैं। अब ये जो चीज हुई थी, जितनी भी हुई थी, अब उन लोगों के साथ जाती है, वरना के एक आदमी करे और उसके बाद दोबारा खेलने के भी लायक हो जाए वो किसी भी दुनिया में। पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ रहा है। रिटायर प्लेयर्स जिन्होंने पीसीबी को बुरा भला बोल के रिटायरमेंट ली, पीसीबी के पोल खोल के रिटायरमेंट ली, क्यों पीसीबी इतना बेबस है? बहुत जल्द 2Ws वकार यूनिस और वसीम अकरम जो है वो भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, और फिर सकलैन मुश्ताक को भी वापस आनी चाहिए। जो कब्र में पहुंच गए उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन पाकिस्तान के जो मैन एज खिलाड़ी थे उन सबको ले लेनी चाहिए। यार क्या मजाक है, मैं परसों भी चीखम चिल्ली फिर हो जाती, लोग कहते हैं यार आप इतना क्यों ब्लड प्रेशर चीखते हो, को मजाक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है और फिर से पाक टीम में वापसी कर ली है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के कई मीडिया और पाकिस्तान के कई फॉर्मर खिलाड़ी ये डिसीजन देख कर बुरी तरह से भड़क चुके हैं, और खास करके जावेद मियांदाद। दरअसल मैं आपको बता दूं, जावेद मियांदाद का कहना है कि इस डिसीजन से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ये डिसीजन पर जावेद मियांदाद का क्या कहना है और पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इतने ज्यादा गुस्से में, पीसीबी की बेबसी पे, पीसीबी की नाअहली पे, पाकिस्तान में क्रिकेट के टैलेंट को लेके कि भाई पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ रहा है। रिटायर प्लेयर्स जिन्होंने पीसीबी को बुरा भला बोल के रिटायरमेंट ली, पीसीबी के पोल खोल के रिटायरमेंट ली, नो डाउट दे आर गुड क्रिकेटर्स, बट जिन हालात में उन्होंने रिटायरमेंट ली, जिस तरह से पीसीबी को बोलो, और अब पाकिस्तान क्रिकेट के इस तरह के हालात हैं कि उनको मजबूर करना पड़ रहा है, ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि नहीं, दो दो खिलाड़ियों को मजबूर करना पड़ रहा है। ये वो पाकिस्तान जो कि क्रिकेट का इतना बड़ा टैलेंट और इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, वो T20 के फॉर्मेट में इस हद तक आ गया है, मॉडर्न T20 के फॉर्मेट में जो युवा खिलाड़ियों का होता है कि रिटायर प्लेयरों को वापस ला रहा है, क्यों पीसीबी इतना बेबस है, ये क्या हो रहा है, इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। जबकि इंडिया में, इंडियन टीम में आप देखें, विराट कोहली नहीं खेलता, रोहित शर्मा नहीं खेलता, बुमराह इंजर्ड हुआ पड़ता है, वो अपनी BC टीम को खिलाते हैं बट कमी महसूस ही नहीं होने देते युवा खिलाड़ी जायसवाल जैसे, साई सुदर्शन जैसे। तो इंडिया के पास बैकअप पे बैकअप पड़ा हुआ है, वो भी एक क्वालिटी किस्म का बैकअप, और हमारे इस तरह के हालात है, और भाई इतनी रिच हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, और आज हम इन हालात पे कि हम मजबूर हैं कि हम अपने रिटायर प्लेयरों को फोर्स करें, उनकी मनमानियां सुने, उनके नहरे टशन उठाएं, और वो हमारे लिए कंडीशंस रखें और फिर हम उन्हें वापस लेकर आए। देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आपको रिटायर्ड प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ रहा है। कि भाई बहुत जल्द 2Ws वकार यूनिस और वसीम अकरम जो हैं वो भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, और फिर सकलैन मुश्ताक को भी वापस आनी चाहिए। जो कब्र में पहुंच गए उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन पाकिस्तान के जो मैन एज खिलाड़ी थे उन सबको ले लेनी चाहिए। यार क्या मजाक है, मैं परसों भी चीखम चिल्ली फिर हो जाती, लोग कहते हैं यार आप इतना क्यों ब्लड प्रेशर चीखते हो, को मजाक है, कहीं एक तो डिसीजन ले लो। जब आपको यार भाई इसको फिर मैं वो वर्ड कहना नहीं चाह रहा, खुदा के वास्ते थूक के मत चाटो, मतलब एक आदमी रिटायरमेंट लेके वापस जा रहा है, फिर सलमान बट का क्या कसूर है, उसको तो खिला ही नहीं रहे। उधर अहमद शहजाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मेरी यार डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी है, उसने भी सुन लिया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो अहमद शहजाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी कर दी, मुझे भी खिलाओ, उमर अकमल का क्या कसूर है। भाई जो गया वो गया, अब मोहम्मद आमिर अपने आप से खुद पूछे कि वो कितनी क्रिकेट खेलेगा, वो सोशल मीडिया ने पंप गुब्बारे के अंदर हवा भरी, चलो भाई मैं भी रिटायरमेंट वापस लेता हूं। अबे भाई खेलना पड़ता है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, और इस PSL और इन तमाम का प्रेशर कहीं कम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये PSL वाले आपने देखे ना वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, इधर उधर जब आपने साहिब अयूब को खिलाया नहीं डिलीवर कर सका, PSL की परफॉर्मेंस पे आ जाए फौरन और आप भी रिटायरमेंट वापस ले लें। यहाँ तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी 60 टीम के ट्रैवल करते हैं उनको ये चांस नहीं देते, तो आप चले हुए कारतूसों को कब तक आजमाएंगे। क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली, इसी पर मजीद बात करेंगे साहब। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली, कैसे देख रहे हैं उनके इस फैसले को? देखिए कंट्री कम फर्स्ट, अगर मुल्क के लिए मैंने आज तक दुनिया में कितने फुटबॉलर, कितने बॉक्सर, कितने बड़े बड़े इस तरीके के इंसिडेंट है उन्होंने जो किया, उसके बाद वो कभी भी अपने मुल्क के लिए नहीं खेले। आपने देखा साउथ अफ्रीका ने भी अपने बड़े टॉप के प्लेयर से चले गए, उन्होंने कभी आना नहीं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए दो चीजें हैं, एक तो है मुल्क कंट्री, लाजमी अगर कंट्री कम फर्स्ट, अगर उसके साथ कोई चीज ऐसी हो तो वो टॉलरेट करना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों को, आने वाली नस्लों को आप क्या बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क कहता है कि आप जो चाहे कर लें और उसके बाद आप अगर हर चीज कर सकते हैं, और यही वजह है कि आज हमारा पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और कड़वे घूंट हमेशा पीने पड़ते हैं। अब ये जो चीज हुई थी, जितनी भी हुई थी, अब उन लोगों के साथ जाती है, वरना के एक आदमी करे और उसके बाद दोबारा खेलने के भी लायक हो जाए वो किसी भी दुनिया में नहीं होता, राइट। जिसने जैसा किया ठीक है, कंट्री इज लाइक अ मदर, माँ को अगर कोई आदमी है तो ये एक एग्जाम्पल फ्यूचर के लिए सेट करना चाहिए, अगर मुल्क सही करना है और अपनी क्रेडिट पे। कभी भी कोई आदमी इन चीजों पे सोचे ना, अगर सोचता भी है तो उसको ये पता होगा कि ये मेरा आखिरी करियर है, तो आप अपने मुल्क की बेइज्जती खुद कराना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए सपोर्ट बड़े बड़े लोग होते हैं इस दुनिया में नहीं भी रहते, तो क्या मतलब ये तो नहीं कि आपकी क्रिकेट जब राउंड अराउंड जब दो तीन प्लेयरों के ऊपर ही है। बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्रिकेट के नहीं, ना मैं प्लेयरों के अगेंस्ट हूँ, मैं जो चीज है उसके अगेंस्ट। तो देखा दोस्तों किस तरह से जावेद मियांदाद और पाकिस्तानी बुरी तरह से भड़क चुके हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के रिटायरमेंट वापस लेने के बाद। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि पीसीबी के चेयरमैन की रिक्वेस्ट पर इन दोनों ने रिटायरमेंट वापस लिया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी, खास करके पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जावेद मियांदाद बुरी तरह से इन दोनों खिलाड़ियों को धो रहे। दरअसल जावेद मियांदाद का कहना है कि यही कारणों से पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में नहीं है, और यही कारण है कि पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया उड़ाती है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान के पास घूम फिर के वही खिलाड़ी है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, इनके पास नए खिलाड़ी नहीं है। यही कारण है कि पीसीबी की मजबूरी थी कि इन दोनों को फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव भी जरूर दे, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।